हम लोगों ने सबने पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लिए एक मुद्दा रखा है कि वो बनाया जाए जिसमें पेरेंट कभी भी स्कूल में एक सरप्राइज इंस्पेक्शन ले सकता है 15 डेज के इंटरवल पे। वो एसोसिएशन बनाया जाएगा जो रोटेशन भी होगा जिसका एक एक महीने पर, और उसमें पेरेंट्स को रोका नहीं जाएगा। उस एसोसिएशन का मेंबर जा करके ये देख लेगा कि सिक्योरिटी सही है कि नहीं, और वो रिपोर्ट दोनों को प्रोवाइड करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पेरेंट्स को भी, जिससे दोनों में अगर कोई कहीं पे इम्प्रूवमेंट का चांस होगा तो इम्प्रूव किया जाएगा उसको, और दोनों सेटिस्फाइड रहेंगे। और कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो फॉलो अप एक्शन तुरंत लिया जाए विद इन टाइम। अगर कभी कोई परेशानी है तो वो उसी दिन सॉल्व हो जानी चाहिए बच्चे के साथ। फिर हम लोगों ने और सारे क्लीनलीनेस इशूज और सिक्योरिटी इशूज भी बताए कि कैसे कैसे आप करें, जैसे छोटे बच्चों के क्लासेस ऊपर सेकेंड फ्लोर पर ना रख करके सब ग्राउंड फ्लोर पर रहें, सब जो है अपने अपने मतलब निगरानी में रहें टीचर्स की, ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स को एक ये दिया जाए, गेट पास इशू किया जाए, जो पेरेंट्स रिसीव करने आ रहे हैं बच्चों को वो गेट पास दिखाने के बाद ही वो अपने बच्चे को ले जाएं, जिससे कि डिस्पर्सल मैनेजेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, किसी के हाथ में किसी का बच्चा नहीं। वॉशरूम्स के पास ही हो रही हैं तो वहाँ पे दोनों का वॉशरूम अलग अलग हो। एंड दूसरी चीज़ कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों में नहीं एंटर करेंगे, बड़े बच्चे ना उस फ्लोर पे आएंगे ना वो उनके वॉशरूम में एंटर करेंगे। बॉयज़ वॉशरूम के बाहर जेंट्स स्टाफ होगा एंड फीमेल गर्ल्स वॉशरूम के बाद फीमेल आयाज होंगी, दोनों चीज़ें अलग होंगी, कोई किसी के क्लास में नहीं एंटर कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं होगा। एंड पीछे पार्क की तरफ भी राउंड्स लेंगे, सीसीटीवी कैमरास हम पेरेंट्स कभी भी देख सकते हैं जब हमें कोई भी डाउट हो पीछे, क्योंकि पीछे ग्राउंड में काफ़ी चीज़ें ऐसे बच्चे जैसे बोल रहे हैं कि लवर्स पॉइंट बना रहता है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं पीछे, तो डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है, वो लोग एग्री हुए हैं। देखिए, हम कभी भी ऑल ऑफ सडन हम लोग सारे पेरेंट्स फिर इकट्ठा होंगे एंड हम चेक कर सकते हैं।